फिजिकल शुद्धि क्या है, साफ सुथरा हो, पपड़ियाँ पेंट की ना उतर रही हूँ। और बहुत बार क्वेश्चन होता है घर के कलर के बारे में। मान लीजिए किसी का शनि अच्छा है तो काली दीवारें कर दे क्या, किसी का बुध अच्छा है तो पूरा हरा ही कर दे। मान लीजिए किसी का मंगल स्वामी और बहुत अच्छा है तो क्या लाल रंग की दीवारें पेंट करें। सभी के लिए आपको एक कॉमन सॉल्यूशन बताता हूँ, आप चंद्र का कलर करें हल्का ऑफ वाइट आइवरी। चंद्र ज्योतिष में एक ऐसा ग्रह है जो किसी का शत्रु नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा माँ होती है। और ये जो है ये शांति पीस उसका कलर है। अब क्या है कि घर में अलग अलग राशियों के लोग हैं, घर में अलग अलग लग्न के लोग हैं। अब ये तो नहीं है हम रंग बिरंगा घर कर देंगे, एक कमरा हरा एक लाल एक पीला, ठीक नहीं है। ये यूनिवर्सल कलर है, ये कलर आप कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। घर खुला खुला भी लगेगा, शांति भी आपको महसूस होगी। दूसरी चीज ना फूलना, घर में हमेशा एक अच्छी सी स्मेल आए और वो स्मेल जो है वो नेचुरल हो, या फूलों की या जड़ी बूटियों की, वो वैसे एसेंस वाली स्मेल ना हो। दिन में अगर आप एक अच्छी क्वालिटी की अगरबत्तियां धूनी कर दें घर में तो भी पूरा दिन उसकी हल्की हल्की स्मेल रहती है, तो घर की आपकी खुशबू अच्छी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कानों की। हल्का सा मैंने कहा मैं भी यूज करता हूँ, तो ये 100-150 रुपए की मशीन है, उसमें 40 तरह के मंत्र जो है फीड है रिपीट होते रहते हैं, बहुत कम बिजली खाती है। हल्का सा वो लगा दिया, दिन में जितने घंटे आप लगा सकते हैं, घंटा दो घंटा चार घंटा, पीछे हल्के से बजते रहे जो भी मंत्र आपको पसंद है। अब बात करते हैं नजर अला बला नेगेटिव वाइब्स और इन सबको कैसे दूर हटाया जाए। जिन घरों में सूरज की धूप आ सकती है पर्दे हटा दें, खिड़कियां खोल दें, फ्रेश हवा और फ्रेश धूप जिन घरों में आ सकती है उसको कभी रोके ना, चाहे गर्मी है तो। जो लोग थोड़ा सा दीपक जला सकते हैं घर में कुछ देर के लिए, अग्नि बहुत शुद्ध करती है वातावरण को, ठीक रहता है, बैक्टीरियाज भी मरते हैं सारे, शुद्धि भी हो जाती है, तो वो जला। घर का एक माहौल पवित्र सा पॉजिटिव सा होगा, आप लोगों के आपस में अच्छे रहेंगे रिलेशंस, आप लोगों को विचार अच्छे आएंगे,